चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। अगर आप लोग हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आप समझिए, आपको मालूम होगा कि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं की वो सब बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, जो आपके सिविल सर्विस या फिर स्टेट की पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। कक्षा 11वीं की आपकी राजनीति विज्ञान की भी हम लोग दो बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। पहली बुक्स का नाम है राजनीतिक सिद्धांत और दूसरी बुक्स का नाम था भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, तो अब हमें बात करनी थी कक्षा 11वीं की भूगोल की बुक्स के बारे में। इसमें भी आपकी दो बुक्स हैं, भूगोल की भी कक्षा 11वीं की दो बुक्स हैं जो आपको पढ़ना है। पहली बुक्स का क्या नाम है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी बुक्स का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। तो चलिए, इसमें हम लोग पहली बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें पहला चैप्टर आपका क्या है? भूगोल एक विषय के रूप में। ठीक है, इकाई एक में आपका पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे दें, मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी आपकी तैयारी में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए कह रहा हूं कि बिना समय गवाए आप लोग एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ लीजिए, एक से दो बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। और अभी तक जितनी भी आपकी क्लासें ली गई हैं एनसीईआरटी से संबंधित, उन सब की जो भी वीडियो क्लास है वो आपकी एनसीईआरटी पूर्ण किताब, जो आपका किताबों का पूर्ण कवरेज के नाम से प्लेलिस्ट सूची है, उसी में डले हुए हैं। और इनकी जो पीडीएफ है उन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लें। ठीक है, और याद रखिए सभी बुक्स इतने सरल शब्दों में लिखी गई हैं कि आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद भी नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपकी समस्या सिर्फ इतनी सी थी कि कहाँ से बुक्स मिलेगी, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। तो इन सब का समाधान कर दिया गया है, इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग भूगोल एक विषय के रूप में। तो इस इकाई के विवरण की बात करें तो भूगोल एक समकालीन विषय के रूप में, स्थानीय गुण विज्ञान के रूप में भूगोल की शाखाएं और भौतिक भूगोल की विशेषताओं के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बस आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है, या फिर आप लोग पढ़ रहे हैं तो बड़े धैर्य के साथ आप लोग पढ़िए। इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई ऐसा शब्द मिले जो आपको समझ में ना आए। अगर आप समझने की इच्छा से आप लोग पढ़ रहे हैं तो हर कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने माध्यमिक स्तर पर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के घटक के रूप में किया है। आप जानते हैं कक्षा 10वीं तक आप लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि आप भूगोल भी पढ़ लेते हैं, आप लोग इतिहास भी पढ़ लेते होते हैं उसी में। ठीक है, उसी में आपका पॉलिटी हो जाता था, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि अलग अलग बुक्स हैं। ठीक है, 11वीं की। तो आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लोग जानते हैं कि आपसे कहा भी जाता है कि कक्षा 10, 11, 12 इसकी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। कक्षा 6वीं से लेकर 9वीं, 8वीं, 9वीं तक की जो भी बुक्स हैं वो आपका बेस मजबूत करती हैं। लेकिन कक्षा 11वीं, 10, 11वीं और 12वीं की बुक्स बहुत ही जरूरी होती हैं। आपको बड़े आंसर, आप लोग जब आंसर राइटिंग करेंगे उसके फैक्ट भी देती हैं यहाँ से बुक्स। ठीक है, यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया और प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्तु को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित भी किया है। याद रखिए कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उनका परिष्करण, सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को कि आपने देखा होगा आदि मानव के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि हम लोग पहले बानर थे, फिर हम लोगों ने विकास किया। आप समझते रहते हैं कि हम लोग फिर दो पैरों पर खड़े होने, लास्ट तक आप देखते हैं कि आज का मानव बन चुका है।
पहले आपने देखा होगा कि हम लोग फल फूल पर निर्भर रहते थे, फिर आपने देखा है कि हम लोग पहले एक बिना कपड़ों के रहते थे, एक तरह से हम लोग पेड़ों की जो छाल हुआ करती, जो पत्ते हुआ करते थे उन्हें पहनते थे। फिर आपने देखा है कि कुछ समय बाद पशुओं की खाल को हम लोग वस्त्रों के रूप में उपयोग करने लगे, फिर आपने देखा है कि पशु पालने लगे हम लोग, फिर आपने देखा है खेती करने लगे। तो उसी की बात कर रहा हूँ। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र GIS, संगणक मानचित्र कला के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। मुझे लगता है कि आप लोगों वैसे भी परिचित हैं, एक समय आपने देखा होगा कि आपने भी विकास किया है। समझ रहे हैं आप लोग? एक सोचिए आप लोग कि किस पहले आप लोग साइकिल की देखते थे, कि आप लोगों ने साइकिल के लिए भी विकास किया होगा। साइकिल, फिर लोगों ने एक समय बैलगाड़ी साइकिल चला करती थी, आज आप देख रहे हैं सुपर फास्ट ट्रेन की बात कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। फिर आप समझिए क्या क्या बदलता रहता है, यही तो विकास है। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, और यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ आपको पर्वत भी देखने को मिलेगी, पहाड़ियां भी देखने को मिलेंगी, घाटियां भी देखने को मिलेगी, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। ये तो आपके आसपास भी देखने को मिल जाते होंगे, पर्वत भी देखने को मिलते होंगे, विभिन्न तरह के पेड़ भी देखने को मिल जाते होंगे, समुद्र भी देखने को मिल जाते होंगे। समझ रहे हैं? यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पथनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। आप छोड़िए इस तरह की विविधता की बात छोड़िए। आप लोगों ने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। ये भी तो कहा जाता है, आपने सुना होगा कि वो को एक पैर एक कदम पर पानी बदले और एक कोस पर बदले भाषा। आप समझ रहे हैं कि हमारे देश में विभिन्न जाति समूह भाषा बोलने वाले कई तरह के लोग भी मिल जाते हैं। ठीक है, उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है, जिस पर मानव समाजों में ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है, क्या उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं? अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं ना, जिसे आप लोग गोला कह देते हैं। समझ रहे हैं? तो इसका वर्णन, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना एक तरह से भूगोल है। भूगोल में आप लोग पढ़ते क्या है? आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोग कहते हैं कि हमने विश्व का भूगोल पढ़ लिया, या आप कहते हैं कि भारत का भूगोल पढ़ लिया, या फिर आप कहते हैं कि आपका स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट PCS की तैयारी, तो आप देखते हैं कि उसमें आप लोग मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ते हैं। आप कहते हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान रहे हैं, तो एक तरह से वहां की जो भी स्थिति है उसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। भूगोल में आप लोग यही तो पढ़ते हैं कि महासागर कहाँ है, समुद्र क्या है, वनस्पतियां किस तरह की हैं वहां। समझ रहे हैं आप लोग? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग एरोटोस्थनीज, एक ग्रीक विद्वान, 726 से 194 ईसा पूर्व ने किया था। तो आपसे ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भूगोल शब्द का उपयोग किसने किया था, और वैसे भी पूछा ना जाए तब भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे इरेटोस्थनीज, ठीक है, एक ग्रीक विद्वान थे, और आप समझ सकते हैं कि 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व तक इनका समय रहता है। और एक बात आपको बताऊं, आप जानते होंगे कि आप लोगों ने इतिहास में इस डेट को पढ़ भी लिया होगा, AD और BC के बारे में। आप समझिए कि ईसा मसीह जो थे, ईसा के जन्म के पूर्व को आप लोग BC कह देते हैं या ईसा पूर्व कह देते हैं,
और ईसा के जन्म की बात को आप लोग ईस भी कहते हैं या फिर एडी कह देते हैं। इसे सामान्य शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पिता आपका जन्म हुआ सन 2000 में, समझ रहे हैं आप लोग, आपके पिताजी से कोई पूछे कि ये मकान जिसमें आप रह रहे हैं ये कब बनवाया था, तो आपके पिताजी कह दें कि मेरे बेटे के जन्म के मैंने 10 साल पूर्व बनवाया था, और या बाद में बनवाया तो क्या बोलेंगे, मैंने अपने बेटे के जन्म के 10 साल बाद बनवाया था। तो आप समझ रहे हैं कि एक बीच की तारीख रख दी उन्होंने, और उसके पीछे जाएंगे तो बीसी, उसके बाद में आएंगे तो एडी, ठीक है, इसके बारे में याद रखिए। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो यानी कि पृथ्वी और ग्राफोस यानी कि बर्डन से प्राप्त किया जाता है। दोनों को एक साथ रखने का इसका अर्थ बनता है कि पृथ्वी का बर्डन, जिसमें आप लोग भूगोल कह देते हैं। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का बर्डन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होती है और तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भूमि की मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान, अन्न सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अनेक सहयोगी विषय जैसे आपका अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, नृविज्ञान हो गया, इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। और भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। और मैंने पहले भी बोला है आप लोगों से कि सभी सब्जेक्टों को आप लोग एक तरह से जोड़ के ही देखा करिएगा। अब आपने देखा होगा कि आप इतिहास पढ़ते हैं, तो आप लोग संविधान की जब से विकास यात्रा शुरू होती तो आपको इतिहास में जाना होगा, तो आप संविधान को यानी कि पॉलिटी को आप लोग इतिहास से अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को सब सब्जेक्ट को एक तरह से जोड़ के रखना चाहिए, ठीक है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना धार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक एवं तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है, अनेक तत्वों में समानता और कई में आपको असमानता भी देखने को मिलेगी। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोल वेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं कर सकते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं का कारण होते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं इस तरह से, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपने देखा होगा कि कभी आप लोग सुनते हैं कि दक्षिण भारत में लोग चावल खाते हैं, समझ रहे हैं, कई राज्यों में आप लोग सुनते हैं कि यहाँ चावल होता है, यहाँ धान की खेती सबसे ज्यादा होती है, यहाँ धान की खेती नहीं होती है, समझ रहे हैं आप लोग। यह भिन्नता आपको देखने को मिलेगी कि तत्व के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में विभिन्नता से संबंधित होती है। आप समझिए कि फसल जलवायु पर निर्भर रहती है, पानी पर निर्भर रहती है, वहां किस तरह का पानी है और किस तरह की मिट्टी है, वहां मिट्टी है, समझ रहे हैं, मिट्टी जो जिस तरह की होगी उसी तरह आप लोग तो फसल उगाएंगे ना। वहां आपने देखा होगा काली मिट्टी है कहीं, तो आप लोग कपास उगा देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या फिर एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण का संबंध को ज्ञात करने में है, और एक भूगोल वेत्ता तत्वों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता है अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थितिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। ये सतत परिवर्तनशील पृथ्वी एवं अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। वो समय की बात कर रहा हूं जब हम लोग एक तरह से वानर हुआ करते थे, आप समझ रहे हैं। भूगोल इस प्रकार प्रकृति एवं मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर क्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है और तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का को प्रभावित भी करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर भी देखने को मिलेगी आप लोगों को। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से
किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है, यानी कि हम उस समय से निकल चुके हैं। समझ रहे हैं आप लोग? और उसने तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश, प्राकृतिक वातावरण को आप परिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्यक्षेत्र के क्षेत्र में परिवर्धन कर लिया है। और तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधनों को ढीला करने में सक्षम भी हो गया है। आप समझिए कि एक समय हम लोग सोचिए कि एक ही किसी संसाधन पर निर्भर थे, हमारे सामने एक ही संसाधन था। मान लीजिए पहले आप लोगों के पास केवल फल फूल खाने के लिए था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पिज्जा बर्गर आप लोग विभिन्न तरह के आइटम हो चुके हैं आप लोगों के सामने। ये भी कह सकते हैं ना, ये तकनीक का ही देन है। मान लीजिए कि आप समझिए, इसे छोड़िए आप लोग खाने को, आप लोग मोबाइल को ले लीजिए। जैसे आपके पास एक ही कंपनी का फोन हो बन रहा हो, और बाजार में भी एक ही कंपनी का फोन हो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन तकनीक का विकास होते हुए आपने देखा है कि तरह तरह के फोन आने लगे हैं, तो आप लोग विभिन्न तरह के फोनों को भी उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, तो ये विकास का क्रम है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया है। अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर भी दिया है। उसने उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। आप समझिए, तकनीक काफी हमारे लिए सहूलियत भरी है भी है, और इसके कई नुकसान भी हैं आप लोगों को। आप समझ रहे हैं? अब आपके हाथ में फोन रहता है, इसका आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं, उपयोग भी कर सकते हैं। अब आप पर निर्भर रहता है। दुरुपयोग करना है तो आप लगे रहिए व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया में, और पढ़ते रहिए व्हाट्सएप फेसबुक की वो यूनिवर्सिटी से इतिहास, और उसी दिशा में आप लोग चले जाइए। ठीक है, भौतिक वातावरण एवं मानव की अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया, आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? ईश्वर की बात कर रहे हैं। कि मान लीजिए कि ईश्वर ने किसने रात्रि बना दी, तो हमने आपने क्या बना दिया? दीपक बना दिया। ठीक है, आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूमि, भूभाग, मरुस्थलों का सृजन किया, मैंने फूलों की क्यारी, बाग बगीचे बनाए हैं। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर भी हुआ है। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी और प्रकृति के सहयोग से नई नई संभावना का सृजन भी किया है। इस प्रकार मानव कीट प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं आपको देखने को में भी मिलेंगे। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल पदानुक्रमिक क्रनों के माध्यम से क्षेत्र समाकलित और संगठित हो गए हैं। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन और एवं संगठन का अध्ययन करता है। एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। पहला क्या है इसमें? कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाली प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति रूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो कि आप प्रश्न के उत्तर देते हैं। दूसरा है आपका, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं, जो कहाँ प्रश्न से संबद्ध होते हैं। यह सब मिलकर उक्त दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के विवरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं और से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन दो प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। उपनिवेश कहने का मतलब है, हम लोग देख आप लोग सुनते हैं ना कि अंग्रेजों के हम लोग गुलाम थे, उसी की बात कर रहे हैं। हम लोग अंग्रेजों के उपनिवेश थे। यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। भूगोल यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है? एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोड क्षेत्र से संबंधित होता है और तथा स्थानिक विशेषताओं एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के विवरण, स्थिति, केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है तथा इस प्रतिरूप की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण भी देता है। यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथ्यों के बीच साहचर एवं अंतर संबंध का विश्लेषण भी करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक नए पैराग्राफ पर। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में किस तरह से है,
इसे जानते हैं हम लोग। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहासकालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम प्रकृति समाज्ञात्मक होती है। यह इस तत्व को मानता है कि विषय एक परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है, यानी कि कहने का मतलब जुड़ाव का, यानी कि हम लोग पूरे विश्व को एक तरह से एक गांव के रूप में देख रहे हैं इस समय में। आप समझ रहे हैं, परिवहन के बेहतर साधनों में बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। एक समय आप देखते होंगे कि आप अब शहर के लिए जाते थे तो 4 से 5 घंटे लगते थे अगर आपको 20 किलोमीटर भी जाना है, लेकिन आज समझ रहे हैं आप लोग कि 10 से 15-20 मिनट में आप लोग आराम से 15-20 किलोमीटर की दूरी पार कर लेते हैं। समझ रहे हैं, एक समय आप लोगों को खबर लेनी होती थी अपने रिश्तेदारों की तो आप उसके यहाँ जाते थे मिलने। आज आपके हाथ में मोबाइल आ चुका है, आप घर ही बैठ के लेके दुनिया की खबर लेते रहते हैं। सर्वदृश्य माध्यमों एवं सूचना तकनीक से आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों एवं आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से अंतरश्रेष्ठ संबंध है, और प्राकृतिक एवं या फिर सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। रेखाचित्र 1.1 भूगोल का अन्य विज्ञान के साथ संबंध दर्शाता है। देखिए इस तरह की ये बता रहा है, ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान, मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, सांस्कृतिक भूगोल, मानव शास्त्र, भौतिक भौगोलिक चिंतन, दर्शन शास्त्र, सामाजिक भूगोल, समाजशास्त्र, ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास, राजनीतिक भूगोल, राजनीति शास्त्र, जनसंख्या भूगोल, जनांकिकी है, आर्थिक भूगोल, अर्थशास्त्र और आर्थिक सांख्यिकी। भूगोल में परिमाणात्मक प्रविधि ये आपका आर्थिक सांख्यिकी। फिर आप देखेंगे गणित एवं खगोलीय भूगोल, इसमें गणित एवं खगोल की। फिर आप देखेंगे भू आर्थिक विज्ञान, भू विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान जिसमें समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान, समझ रहे हैं, मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल, वनस्पति विज्ञान, पादप भूगोल, प्राणी विज्ञान, प्राणी भूगोल, जिसमें सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन आते हैं इससे आपने देखा होगा बायोलॉजी में, ठीक है, और पारिस्थितिकी ये देख ही लिया हम लोगों ने। चलिए पहले हम लोग इसे देखते हैं फिर एक बार और देख लेंगे। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक भी होता है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित करता है, और भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक भी है। क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन भी बना है। परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ भी प्राप्त किया है। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा पिधत रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। भारत में आप देखेंगे हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा भी करता है। आप जानते हैं कि एक समय बर्फबारी का टाइम होता है तो हम लोग एक तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, हम लोग चिंता छोड़ देते हैं कि हिमालय की तरफ से हमारे देश में कोई घुसने की कोशिश करेगा, समझ रहे हैं आप लोग, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ता एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा भी देते रहे हैं। समुद्री किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। नौ संचालन तकनीकी ने यूरोप देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर औपनिवेशिक
निवेशीकरण में सहायता की है क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गमता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि कहा जाता है कि पहले हमारे यहाँ जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी हों या आप लोग समझिए जो भी होते थे, ये दर्रे के जरिए आते थे। लेकिन बाद में आपने अंग्रेजों को देखा है, अंग्रेज क्या करते थे कि इनके पास नाव की सुविधा हो गई थी, आप समझ रहे हैं, तो ये समुद्र के रास्ते से भी आने लगे हैं। समय प्रत्येक भौगोलिक तत्व समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिपेक्ष में उनकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण भी किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरणार्थ आ स्थान बा स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, क्या है, दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि आ स्थान से 2 घंटे दूर है, यानी कि आ स्थान बा स्थान से 2 घंटे दूर है। यदि हवाई या हवाई जहाज से यात्रा की बजाय 17 घंटा दूर है, यह तीव्रगामी रेल से यात्रा की जाए, तो आप समझिए कि आप लोगों को दिल्ली से मान लीजिए कि इलाहाबाद जाना है, तो आप लोग एक तो आपके पास ट्रेन की सुविधा है, एक है आपके पास हवाई जहाज की जो सुविधा, तो आप समझिए कि हवाई जहाज से अगर जहाज से आप जाएंगे तो कम समय लगेगा और ट्रेन से आप जाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि इतना ज्यादा समय लगता है। समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। रेखाचित्र एक विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान से भूगोल का संबंध किस रूप से चिंतित करता है। यह संबंध 2 खंडों में रखा जा सकता है। पहला तो है आपका भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान के रूप में। ये क्या कहता है, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसा कि रेखाचित्र में दर्शाया गया है प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखेंगे जैव भूगोल, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है क्योंकि मानव विभिन्न स्थितिक निकेत में निवास भी करता है, ठीक है। और एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला विशेषता मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोल की स्थितियों के अध्ययन से भी जुड़ा हुआ है जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भू आब आब है परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है जो 2 आयामी प्रदर्शन होता है। भू आपको 2 आयामी में परिवर्तित करने का समाधान लेखा चित्रीय या फिर गणितीय रीति से निर्मित प्रेक्षण द्वारा प्राप्त हो सकता है। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित और सांख्यिकी अर्थमिति में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना द्वारा तैयार किया जाता है। खाका, मानस, मानचित्र, मानचित्र कला हेतु कला में निपुणता आवश्यक होती है। और याद रखिए जब भी आप लोग भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे आप लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं या भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं या फिर आप स्टेट का भूगोल पढ़ रहे हैं कहीं, तो आप लोग मानचित्र का सहारा जरूर लिया करेगा। क्या होता है कि मानचित्र के सहारे से आप लोगों को लंबे समय तक जानकारी आप लोग याद रख सकते हैं। अब जैसे आप ही सोचिए कि आपसे पूछे कि पाक जल नमरूप किन देशों को देशों को अलग करता है, तो या तो आप लोग इसे रट लीजिए, मुझे लगता है रट लेंगे, कल भूल गया फिर क्या होगा, तो कम से कम आप लोगों को ऐसा दिखा दिया जाए कि देखिए ये है भारत और ये है श्रीलंका, इन 2 देशों को अलग करती है, तो मुझे लगता है आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान के बारे में। रेखाचित्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल एक शाखा से अंतरपृष्ठ का संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान कर उसके क्रमशः विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मात्र शाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जानकी
जनांकीय सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। अब आप समझिए कि आप लोग इतिहास को भूगोल से क्यों ना जोड़े। अगर आपको जानना है कि इतिहास में मतलब आदि मानव किस तरह के कपड़ा पहनते थे, क्या खाते थे, उन्होंने कब स्थायी जीवन यापन शुरू किया, कब उन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया, तो आप लोगों को कहाँ जाना होगा, इतिहास में जाना होगा। और इतिहास में जाएंगे तो आप लोग भूगोल के बारे में भी पढ़ने लगेंगे। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती हैं। राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य क्षेत्र जनसंख्या प्रभु सत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य या उनकी जनसंख्या की राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। और अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन हो गया, विवरण, विनिमय और उपभोग का विवेचन करता है। आप लोग समझिए, आप लोग इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में आप लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे हमसे पहले लोगों ने क्या किया, किस तरह से रहे, उनका योगदान क्या रहा है, समझ रहे हैं। पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे आप, राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल में क्या पढ़ेंगे आप लोग, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, मानव के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, जब इकोनॉमी की बात होती है तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात होती है कि क्या उत्पादन हो रहा है, किस तरह से व्यापार चल रहा है, ठीक है। इन विशेषताओं में से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है, अतएव वहां भारतीय भूगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन, विनिमय, वितरण और उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकिकी से निकटता से जुड़ा हुआ है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, और यह अध्ययन के विभिन्न विधि तंत्र एवं उत्पादन उत्पादनों का अनुसरण करता है जो इस अन्य विषयों से पृथक करता है, और इसका अन्य विषयों से परासरणी संबंध होता है, और जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र भी होता है। और भूगोल दृष्टिपरक सूचनाओं के भाव का अवरोध नहीं करता, जैसे शरीर के सभी कोशिकाओं को एक झिल्ली द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरुद्ध नहीं होता है। भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में उनका संश्लेषण भी करता है। मानचित्र भूगोलवेत्ता का बहुत प्रभावी उपकरण होता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने के लिए सारणीबद्ध आंकड़े दृश्य में परिवर्तित किया जाता है। अब आप ही सोचिए कि क्या आप लोग मानचित्र के बिना भूगोल को समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं भूगोल की शाखाओं के बारे में। पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र उसी को देखें आप लोग, जिसे आप लोग देख चुके हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो समझाने लायक हो। आप लोग पहले भी बुक्स पढ़ी हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर छेद विषय है, और प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम हैं, एक तो है आपका विषय वस्तु गत क्रमबद्ध और दूसरा है आपका प्रादेशिक। विषय वस्तु भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा परिवर्तित किया गया है, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता थे कार्ल रिटर के द्वारा किया गया है, ठीक है। इन दो व्यक्तियों के नाम भी याद रखा करिए। विषय वस्तु गत उपागम में एक तत्व का पूरे विश्व भर का अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। यानी कि क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं तो आप समझिए किसी खास क्षेत्र की बात कर रहा हूं। उदाहरणार्थ यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत रेखीय सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान उनका विवेचन एवं सीमांकन करना होगा। प्रादेशिक उपागम में विषय को विभिन्न पदानुक्रम क्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, और फिर एक विशेष प्रदेश में भी सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। एक प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या फिर निर्दिष्ट नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तत्वों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है, इसका प्रारंभ से ही विषय में विवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद, द्विधा,
अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर भी निर्भर करता है। पहले विद्वान भूगोल भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग भी है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का भी विकास हुआ है। आप समझ रहे हैं, मानव भूगोल यानी कि मानव से संबंधित भूगोल। भूगोल की शाखाओं की बात करें तो विषय वस्तुगत या फिर क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भौतिक भूगोल। इसमें देखेंगे आप लोग भूआपति विज्ञान या भूआपतियों उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान की अगर बात करें हम लोग तो यह धरातल के जल परिमंडल, जिसमें आप देखते हैं समुद्र के बारे में जानते हैं, नदी के बारे में, झील के बारे में और भी जो अन्य जलाशय सम्मिलित हैं उनके बारे में जानते हैं, तथा उनका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों उनके कार्यों पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो उसके बारे में भी आप लोग जानते हैं जल विज्ञान के। ठीक है, यहाँ आप लोग इस चार्ट को भी देख लीजिए। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर भौतिक भूगोल, इसे देख लीजिए भौतिक भूगोल को पहले। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए ये सिद्धांत दर्शन शास्त्र हो गया, विधि एवं तकनीक मानव, तो इसमें आप लोग हम लोग पहले चलते हैं भौतिक के बारे में। तो यहाँ आइए भू आर्थिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल, फिर आप देखेंगे मृदा विज्ञान। ठीक है, इसमें फिर आप देखिए यहाँ पहले यहाँ देखिए आप लोग सिद्धांत दर्शन शास्त्र में बहुत भौगोलिक चिंतन, मानव पारिस्थितिकी, भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया, फिर आप देखेंगे विधि एवं तकनीकी, तो इसमें मानचित्र कला, फिर आप देखेंगे मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, मानव इसमें आप देखेंगे इसी में तो भू संरचना, GIS, GPS, LIS। अगर मानव की हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक, फिर आप देखेंगे ऐतिहासिक भी, जनसंख्या एवं बस्ती के बारे में भी जानेंगे, और जनसंख्या एवं बस्ती में आप देखेंगे ग्रामीण भी हो सकती है, नगरीय भी हो सकती है। इसी में आप राजनीतिक के बारे में देखेंगे। आर्थिक की बात करें तो आर्थिक में आप देखते हैं कृषि के बारे में पढ़ते हैं, उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं, पर्यटन के बारे में, व्यापार एवं परिवहन के बारे में पढ़ते हैं, अवसंरचना के बारे में पढ़ते हैं, सेवाएं, यही तो आती हैं आपकी आर्थिक यानी कि इकोनॉमी है। ठीक है, और यही अगर हम लोग इन दोनों के अंतरापृष्ठ जीव भूगोल की बात करें तो जैसे पारिस्थितिकी हो गया, पादप भूगोल हो गया, प्राणी भूगोल, पर्यावरण भूगोल, इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, मृदा में आप देखेंगे यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है कि मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है, मिट्टी के प्रकार, कितने तरह की मिट्टी होती है, उनका उत्पादकता स्तर भी देखेंगे, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित होता है आपका मृदा भूगोल। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मानव भूगोल के बारे में। इसमें आप लोग देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत आप देखेंगे समाज तथा इसकी स्थानिक और प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन। ठीक है, फिर आप देखेंगे जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल या ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उनका वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, प्रवास और व्यवसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है, जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल की बात करें तो यह आप देखेंगे यह मानव की आर्थिक क्रिया है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, पर्यटन हो गया, व्यापार, परिवहन और स्थापना तत्व, सेवाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल की बात करें तो यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करता है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। आप समझिए आज हमारा भी, आने वाले समय में हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा, समझ रहे हैं आप। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं, इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का है। यानी कि ऐतिहासिक भूगोल में आप लोग क्या पढ़ेंगे, इतिहास में जो भूगोल रहा है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल की बात करें तो यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से दिखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी, जैसे हमारे पड़ोसी कौन है, समझ रहे हैं आप लोग, चाइना, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, समझ रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इकाइयों के मध्य भू विन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन
एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सिद्धांतिक रूपरेखा भी विकसित करता है। अब बात करते हैं जीव भूगोल की हम लोग। तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं होती हैं। आप लोग बढ़ते हैं जीव भूगोल के बारे में। इसमें पशुओं एवं उनके निवास के क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं आप लोग। आगे चल के हम लोग सब पढ़ेंगे, आप समझ रहे हैं, इनके बारे में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले चैप्टरों में सब कुछ आपको मालूम चलेगा। वनस्पति भूगोल की बात करें तो यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल की बात करें तो संपूर्ण विश्व में पर्यावरण की तीव्रता के फलस्वरूप पर्यावरण समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया है, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है, पर्यावरण का। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग कहते भी हैं कि यहाँ माहौल नहीं है, पर्यावरण नहीं है, पढ़ने का माहौल नहीं है, तो वही है पर्यावरण, ठीक है। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की बात करें तो बेहद मध्यम लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन की बात करिए, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं नगर नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, फिर आपका प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचन विश्लेषण, दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ होते हैं। ये दो कौन कौन से हैं? भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर बात करें तो आप देखेंगे प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, इसमें आप देखेंगे स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, फिर आप देखेंगे प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, फिर आप देखेंगे प्रादेशिक योजना, देश ग्रामीण योजना, शहरी योजना, ठीक है। दर्शन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे भौगोलिक चिंतन, फिर आप देखेंगे भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी, और फिर विधि तंत्र एवं तकनीक की बात करें तो सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, परिणामात्मक तकनीक एवं सांख्यिकी तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधियां, भू संरचना विज्ञान तकनीकी, जैसे आप देखेंगे दूर संवेदन तकनीक हो गया, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थिति तंत्र, इन सब के बारे में, ठीक है। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल को शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाए एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक स्पष्ट दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। और उदाहरणार्थ जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीक थी, अब संगणक निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई है। तकनीकी ने विद्वान को बेहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता भी प्रदान की है। आप लोग देखते हुए रहते होंगे कि पहले आप कहते थे कि शनि के इतने उपग्रह हैं, पहले आप लोग कहते थे बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, फिर कहने लगे शनि के उपग्रह ज्यादा हो गए। तो नए नए उपग्रहों की सोच खोज होती रहती है, नए आप देख रहे हैं कि मानव निर्मित भी उपग्रह एक तरह से आप अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, तो तकनीक का ही एक तरह से आप लाभ कहिए। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है, इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि भी हुई है। आप समझिए आज हमारे पास काफी अच्छी सूचनाएं हो चुकी हैं तकनीक के द्वारा, समझ रहे हैं आप लोग। भौगोलिक सूचना तंत्र ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थिति तंत्र बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीक ने गंभीर सिद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इससे इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक बच्चों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार भाग एक में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। एक आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात सुनी होगी कि आपने सुना होगा कि आपके घर के जो भी लोग हुआ करते थे, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे, वो कहते थे कि बेटा पीपल मत काटना, पीपल में हमारे भगवान बसते हैं। आप लोगों को उस समय आप लोगों ने ये समझ में नहीं आया होगा, आपके पास आप आराम से उनकी बात मान लेते थे, आप लोगों के पास तर्क देने के लिए कोई शब्द नहीं हुआ करते थे। लेकिन आजकल आप लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या कहते हैं, उन्हें क्या जवाब देते हैं कि सही है कि आप इसलिए मान रहे हैं कि इसमें भगवान होते हैं, आप उस पीपल के पेड़ को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग तर्क इसलिए दे सकते हैं कि इसे इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। समझ रहे हैं आप लोग, पीपल का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है।
तो किसी ना किसी तरह से बचाने की एक तरह से आपके ये मंजिल एक ही थी कि पेड़ को किसी तरह से बचाना है। तो धर्म ने इस तरह से बात की कि धर्म उसमें हमारे भगवान रहते हैं तो कम से कम बचा तो रहे, और विज्ञान ने इस तरह से बात की है। तो विज्ञान का तकनीक का ही तो एक तरह से आप कहिए कि ये मालूम चला है आप लोगों को कि ये ऑक्सीजन देता है इसलिए इसे नहीं काटा जाता है, तकनीक का ही तो फायदा है। ठीक है, भौतिक भूगोल एवं इसके महत्व की बात करें तो पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करता है, और यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। और भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियां, प्रभाव, उच्चावच, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, तथ्य एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि। जलमंडल की बात करें तो समुद्र, सागर, झील, जल परिमंडल से संबद्ध तत्व। जलमंडल की बात करें तो जीव के स्वरूप, मानव और तथा बेहद जीव व उनके पोषक क्रम प्रक्रम, जैसे खाद्य श्रृंखला हो गई, पारिस्थितिक प्राचल हो गया एवं पारिस्थितिक संतुलन भी हो गया का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती हैं तथा मृदा पारिस्थितिका के विकास में सहायक भी होती हैं। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियां आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत, चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्र को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत भी होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित भी करती है। जलवायु का वनस्पति, सस्य, प्रतिरोध, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों के उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव भी पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, जैसे कि वातानुकूलन, कूलक, वायु शीतल इत्यादि। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करता है। और ये भी आप लोग सुनते होंगे कि हमारी फसल, हमारे यहाँ की जो खेती होती है उसे मानसून का जुआ भी कह देते हैं, क्योंकि पूरी कई क्षेत्रों में आप देखते हैं कि मानसून पर निर्भर रहती है। अगर वर्षा हुई तो वहां की फसल हो जाती है, नहीं हुई तो नहीं होती है। वर्षा भूमिगत जल धारक स्तर को पुनर्वेशित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के जल के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं, वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न होते हैं। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड नूडल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। मृदा एवं नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कि कृषि को प्रभावित करते हैं। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित एवं संस्कृति से प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणियों के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करते हैं। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक भी है। और भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित भी करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न भी कर दिया है। जब आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आपने एक घड़ा भर लिया है, उसमें से आप लोग उपयोग करेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो उसका प्रभाव तो उस घड़े पर पड़ेगा पानी पर कि नहीं पड़ेगा, उसे ही आप लोग असंतुलन कह देते हैं। अतएव सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। यहाँ भी आपको भूगोल क्या है ये भी कुछ लाइनों में शब्द परिभाषा दी गई, इन्हें भी याद रख सकते हैं। जब आपको भूगोल के बारे में पूछता है, क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, आंसर लिखने के लिए आता है, तब आप लोग इन परिभाषाओं को दे सकते हैं और जिस व्यक्ति ने परिभाषा दी है उसका भी नाम लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका आंसर एक प्रभावकारी हो जाता है, ठीक है, शक्तिशाली आप कह सकते हैं। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। एक इसने कहा था, रिचर्ड हार्ट सोन ने, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। एक इसने कहा था अल्फ्रेड हेटनर ने। तो ये था आपका पहला चैप्टर भूगोल एवं विषय के रूप में, ठीक है।
इसमें मुझे भी आप लोगों को ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो समझाने की जरूरत पड़े। अगले चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत कुछ समझने के लिए है। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में आपसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि आखिर हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं इसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग कुछ सॉल्व करते रहा करिएगा, और इसकी पीडीएफ भी आपकी टेलीग्राम पर हमने डाल दी थी, वहां से आप लोग इसे भी डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, ठीक है।